हेलो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। और अभी बज चुके हैं शाम के 4:30 और अभी आंसर ने कर दिए मैं तैयार एनुअल फंक्शन के खातर। तो यहाँ ड्रेस ही जोड़ पहन ली और ये बेल्ट है ना वो दो साइड हुआई कर अलग हो। तो पहला तो पैर करता तो ध्यान रहे कर, तो ये मेरे ध्यान ही को नहीं हो कि मैंने क्यों कर पैरों। तो यूट्यूब के ऊपर देख के और वो करो और आग अलग कर लो हल्को सो मेकअप। तो थोड़ो बिल्कुल थोड़ी सी लैक्मे वाली क्रीम जो मैं यूज़ करूँ या और थोड़ो सो सनस्क्रीन लगा देंगे फेस पे मेकअप सो करो। लेकिन जल्दी के चक्कर में नाखून लग जाएंगे माथे के ऊपर तो निशान हो गए बेचारा का और दर्द भी हो गया साथ में। सॉरी सॉरी मेरा बच्चा, सॉरी उंगली लगी, नाखून लगे, सॉरी नाखून तो छोटे ही हैं पर लग गई ज्यादा लग गई। तो नहीं लगी बेटा बस आ गई ये बिना। और लड़का हो या लड़की हो टीचर ने पूरा दे रखे हो शेड्यूल के आगे हेयर स्टाइल कैसे होनी चाहिए आगे लिप्स कैसा होना चाहिए तो आगे ऊपर लिप ग्लॉस ये वगैरह लगा के भेजनी है और पिंक कलर की लड़का और आगे हेयर स्टाइल बना के भेजनी है मतलब अपना ये क्या बोलते हैं जेल वेल लगा के। और जेल भी आज तक मेरी यूज़ कौन करेड़ी क्यों कर यूज़ करे तो यह भी मैंने यूट्यूब के ऊपर देखनी पड़ी कि गिल्ले वाला में यूज होगी सूखे वाला में यूज होगी क्योंकि इसी चीज़ें ना तो ये यूज़ करे ना कदे मैं यूज़ करे कभी कोई घर में कोई यूज ही कौन करे जेल वेल तो कुछ समझ में कौन आ रहे हो कि क्यों पर करनी है। तो मैं यूट्यूब के ऊपर देख ली अगर ये यूट्यूब ना हो तो इंसान पागल ही रह मेरे साहू तो क्योंकि कितनी सारी चीज़ नहीं समझ में आवे तो देखा। और एगो बेल्ट भी देखियो मैं कि क्यों कर रहे हैं सेट करना है बेल्ट ने क्यों कर लगाना है फोटो नहीं खींच रहे। तो फ्रेंड्स ये है मेरी छोटी सी क्यूटी पाई का फाइनल सा लुक। दिखाओ मैं कैसी लग रही है जानवर। वाह पिंक पिंक होट गंदे लग रहे हैं। मम्मी मेरी दादी को माता जी बोल रही है बोल रही है मैंने उल्टी माता जी बोला क्या। और सारा बच्चा हो गया रेडी स्कूल जान खातर बहुत ही प्यारा प्यारा लगन लग रहा आगे बस आई को नहीं है और वह नारा बच्चा भी खड़ा है अभी तक जान खातर। हाँ चलो भाई फोटो लेते हैं बाकी है क्या ये भी मेरी तरह थोड़ा बहुत हमें बोला था ये चूड़ी ये नाक का हम लोग को लेके ज्वेलरी क्या हुआ सेट नहीं हो रही क्या हुआ रिंकी कहाँ रह गई कॉल कर दे सबसे लेट तू क्या बन के आई है भाई। अभी अंशु ने स्कूल में भेज के आ गई बस मत आ गया अभी मैं थोड़ी सी झाड़ू वाड़ू निकाली है और अभी करूँगी मैं तैयारी। और रवियांश ने छोड़ के आने के बाद में मैं पहला पूरा होल उठाया वेगा खिलौना बिखरे रहा वेस उठाया और झाड़ू वाड़ू निकाल के अच्छी तरह करिए और बाद में मैं लग गई चाय पी बना के और फिर मैं लग गई रात का खाने ही खातर क्योंकि 6:30 हम लोग निकल जाएंगे और आज हो शनिवार तो शनिवार के दिन दाल लहसुन प्याज कौन खाना तो बनाया दाल चावल दाल में मतलब लहसुन प्याज वगैरह कौन डाला तो मूंग की दाल और अरहर की दाल वगैरह वही डाली है। और ये हम लोग पहुंच गया स्कूल में आगे प्रोग्राम चालू हो गया लगभग मूर्ति की स्थापना वगैरह सब हो चुकी थी पिछली साल के वीडियो में दिखाई कि आगे क्यों कर मूर्ति की स्थापना वगैरह करा है और स्टार्टिंग में आगे चालू करे भरतनाट्यम है और अब पेरेंट्स भी सौभाग्यशाली है। सामान्य रूप से एक वातावरण होता है कि गुरुकुल के पेरेंट्स हैं तो उनको रिस्पेक्ट मिलता है क्यों ताकि वो डिसिप्लिन वाले होते हैं। पेरेंट्स की बात करता हूँ पेरेंट्स में भी डिसिप्लिन है समझो ये अच्छी बात है। अभी तक इतने सारे आ गए पेरेंट्स इधर 3000 से ज्यादा 3500 पेरेंट्स आए अभी और इतनी सारी हजारों की संख्या में कार आई होगी इतनी समस्या नहीं आएगी आपको कोई भी जगह पर। हाँ रश होगा थोड़ा लेकिन मैनेज।
और ये अभियांश का स्कूल जो है ये स्वामी नारायण स्कूल है। इसकी हर जगह गुजरात में इसकी ब्रांच है स्कूल की, और ये गुजराती मीडियम और सीबीएसई बोर्ड दोनों से अवेलेबल है हर जगह पे। और ये जो गुरुजी बोल रहे थे इनके गुरुजी ही बोलते हैं, प्रिंसिपल वॉइस प्रिंसिपल अलग है, और ये बोल रहे हैं ये वॉइस प्रिंसिपल है इनकी। सम्मान पत्र, यू आल्सो कॉल इट एज अ साइटेशन, ब्यूटीफुली फ्रेम्ड एंड वर्डेड। गुरे से गुरम शैतानिया मनमानिया करते फिरे हर दम। और ये अभियांश की सेकंड टाइम स्टेज पे मतलब स्टेज प्रोग्राम है, और वो दिखता नहीं है क्योंकि लंबा है, तो सबसे लगभग उसको पीछे ही खड़ा करते हैं, तो वो पीछे की साइड मेरे को भी नहीं दिखा इसमें है कहाँ पे। और वीडियो अगर गाने की धुन छोड़ूंगी तो मेरे को कॉपीराइट आ जाएगा, इसलिए मैं धुन नहीं छोड़ रही हूँ। और हम लोगों ने पूरा प्रोग्राम नहीं देखा, बस अभियांश का हुआ और उसके बाद में हम जल्दी ही निकल लिए थे। और ये वीडियो है नेक्स्ट मॉर्निंग की, और नेक्स्ट मॉर्निंग में हम लोगों ने रखी थी पाव भाजी पार्टी सबके लिए। अभियांश को खानी थी, काफ़ी दिन लाग रही हो, पिछले संडे ने भी बनाई, अभी क्या करे, बच्चे के साथ में माने भी बार बार बनानी पड़ा। और आज पाव भाजी बनाई तो हमने सोचे कि थोड़े ज़्यादा ही बना लिया, तो हमारे नीचे फर्स्ट फ्लोर के ऊपर रहे हैं भैया, तो ये मारकानी का ही है, मतलब जयपुर का है, आसपास का एरिया का है, तो वो ये कि अपनी साइड का हो तो अलग ही मोह है, तो मैं काफ़ी बार नहीं हुआ कि आगे घर पे भी चला जाऊँ या हमारा घर पे भी आ जा तो खानो खाना। और आज मैं पाव भाजी बनाई तो क्योंकि संडे है, तो साथ चलो उनको भी बुला ले, साथ में पाव भाजी सबके नाश्ता भी हो जाएगा, और बहाना ये एक बहाना हुआ कि बहाना सब बैठ के बातें भी कर लेंगे। तो ये भैया हैं, इनकी लड़की है, भाभी है, और लड़का है नहीं, एक बार इनका इधर वो बाहर है। अभी बैठो ना रिंकी भाभी, नहीं नहीं बन गए, अभी क्या काम बचा मेरा, ये टेढ़ा काट दिया आपने, मैंने जानबूझ के कटोरी में कर देते ना, उधर है ना। अरे कल अंकल भाई तो गाड़ी की बात कर रहे थे, हम वो बोलते हाँ बैठ जाओ गाड़ी, कैसा बना? बहुत अच्छा है, सोनू मुझे सिखाएगी पाव भाजी बनाती हूँ, पर यार किसी का स्वाद अच्छा लगता नहीं, वो हाथ का फर्क होता है। हाँ सोनू का हाथ ले जाती हूँ यहीं से। मैंने काटा है, मैं ही काटती हूँ सीधा। मैं वैसे ही काटती हूँ,
हमारे हर्ष काटता उसको नहीं आता ना, आड़ा काट देते नहीं आता। नहीं मैं काटती है इसमें से क्या जूस पर निकाल नहीं पाता ठीक से। क्या देख रहे हो? धूप या बंगलो? बंगलो तो गांव में है, बंगलो मम्मी आने दे दीजिए। जिसकी वजह से बन गई उसको तो दो। और मैं पाव भाजी की आज रेसिपी शेयर कौन करी। एक दो बार मैं बहुत अच्छी तरह रेसिपी शेयर कर रखी है, क्योंकि मैं कई बार बनाऊँ पाव भाजी, ऐ बात खातर मैं कोई शेयर कौन करी। और आज देखो मैं पूरा कढ़ाइयों भर के बना रखी है पाव भाजी, जब मैं खा ली पूरा ऊपर तक जड़ तक निशान दिखा है वो पूरा भर लियो, क्योंकि काफ़ी सारा लोग हो गया तो अच्छो इतना ज़्यादा बैठे ना तो साथ में थोड़ा बहुत खाना फालतू भी खाए जा और साथ में बैठ के खाने में अच्छो भी लागे। तो मम्मी दिन तक घूमे सारा लस्सी और मैं पाव गर्म करूँ और भाभी सब ने सर्व करता फिर घूमे। और पाव भाजी एक ऐसा नाश्ता है जो छोटा हूँ लेके बड़ा तीन सब ने पसंद आवे, हर कोई खुश हो गया खावे। तो बच्चा का चक्कर माँ पान भी जल्दी जल्दी खाने मिल जाए, नहीं तो आप अपना आलस रहे कि हाँ रहने दो कौन ही बनावा यो कौन करा वो कौन करा। तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड और मिलते हैं आपको नेक्स्ट एक अच्छी सी प्यारी सी वीडियो में। मेरे को लगता नहीं है मैं बोल रही हूँ मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्योंकि मेरी इच्छा कम हो रखी है। अभी मैं सोच रही हूँ मैं अभी यूट्यूब पे वीडियो नहीं डालूँगी, शायद ये मेरी लास्ट वीडियो हो, उसके बाद में मैं नहीं वीडियो डालने वाली, ऐसा लग रहा है मेरे को। डाल दूँ तो अलग बात है, लेकिन जहाँ तक होगा मैं नहीं डालूँगी। चलिए बाय, अच्छा लगा आप लोगों के साथ में टाइम स्पेंड करके, बाय। रोटी बना देंगे हम पड़ेगा तो नहीं ले आएंगे ना बाकी हाँ बच्चे छोटी प्लेट।